नमस्ते, मेरा नाम जी है, मैं माउंटबेटन में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सच्चा मित्र हाथी। ध्यान से सुनिएगा। जंगल में एक हाथी रहता था, उसका कोई मित्र नहीं था। हाथी इधर उधर घूम रहा था। हाथी की नजर बंदर के पेट पे बैठी। बंदर से पूछा हाथी ने, बंदर भाई क्या तुम मेरे मित्र मानोगे? बंदर ने बोला, हाथी भाई तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो मेरी तरह पेट पे बैठ भी नहीं सकते, फिर हम दोनों मित्र कैसे मनेंगे? हाथी आगे चलता गया। उसको एक खरगोश मिला। हाथी ने खरगोश से पूछा, खरगोश भाई क्या तुम मेरे मित्र मनोगे? खरगोश ने बोला, हाथी भाई तुम तो इतने बड़े हो, फिर हम दोनों मित्र कैसे मनेंगे? तुम तो मेरे दिल में भी नहीं आ सकते। हाथी आगे चलता गया। उसको एक खरगोश हिरण मिला। हाथी ने हिरण से पूछा, हिरण भाई क्या तुम मेरे मित्र मानोगे? हिरण ने बोला, हाथी भाई तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो मेरी तरह इतने तेज भाग भी नहीं सकते, फिर हम दोनों मित्र कैसे मानेंगे? अगले दिन हाथी को बड़ा ही अजीब लगा। अगले दिन हाथी से सारे जानवर भागने लगे। हाथी ने पूछा, हिरन भाई जंगल के सारे जानवर क्यों भाग रहे हैं? हाथी ने हिरन से पूछा। हिरन ने बोला, शेर आ गया और वो हमें खाना चाहता है और वो हमारे पीछे पड़ गया है। हाथी उसके पास गया। हाथी ने उससे पूछा, तुम क्यों मारना चाहते हो? शेर को गुस्सा आ गया। हाथी ने उसको लात मारी और वो डर के भाग गया। सारे जानवर खुश हो गए। हाथी को उसने मित्र बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो हमारी मदद करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। धन्यवाद।